नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। औरंगाबाद के यमुनानगर में अतिक्रमण पर नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और नगर परिषद के अधिकारियों के बीच काफी तूतू-मैं-मैं भी हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद यमुनानगर के मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी उधर तैनात दिखी। नगर परिषद के द्वारा नाला का निर्माण कार्य चल रहा था और 9 दिनों से नाला का निर्माण कार्य बाधित था। इसके चलते बहुत सारे इधर के वार्ड नंबर 27 के रहने वाले जितने भी घर थे उनका सारा पानी चौक हो गया था, जिसके चलते जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। और इन लोगों के द्वारा कुछ जमीन अतिक्रमित था, ठीक है ना, उस अतिक्रमण को हटाकर नाला का निर्माण करने का प्रोग्राम किया गया है। सीओ से माफ़ी कराया गया, सीओ के माफ़ी कराने के अनुसार जो एक जगह चिन्हित किया गया है उसी के अंतर्गत नाला का निर्माण। सर, लोगों का आरोप है कि काश जमीन को भी तोड़ा जा रहा है, क्या कहें? काश जमीन को तो नहीं तोड़ा जा रहा है, ना काश जमीन पर हम नाला निर्माण करने जा रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप तो चलती रहती है। सीओ के द्वारा जो माफ़ी दिए गया है कि ग्रेड बिन और प्लस उनकी जमीन कड़ी के हिसाब से इनको छोड़ करके ही हम काम कर रहे हैं। उसमें अतिक्रमण 16 फीट लंबा अतिक्रमण में पाया गया था, लेकिन वहाँ पर 25 फीट चौड़ा और 70 फीट लंबा में अतिक्रमण करके साफ करके नली बना दिया गया जबरदस्ती। और जबकि मेरे कागज रहती जमीन है, सीओ द्वारा मेरा भी प्राप्त जमीन है, सीओ अंचल अमीन नियम को रिपीट किया कि इसके बीच में आपका जमीन है। और जहाँ सर्वे का रोड था, जो आम गर्मजुआ जमीन था, उसको जमीन को छोड़कर बाकी मेरे जमीन में काश जमीन में नली का निर्माण किया जा रहा है।